दिल्ली में चुनाव से पहले एक बार सियासत फिर गर्म हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनकी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई। हालांकि उन्होंने FIR दर्ज कराई है, पुलिस जांच कर रही है। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं। देवेंद्र जी, चुनाव से एन पहले आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं उसके मुखिया के आवास पर राज्यसभा सांसद की पिटाई हुई, FIR कॉपी आपने देखी हुई, गंभीर आरोप है। कैसे इन चुनावों में जाएंगे और क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? कई दिनों से ये चर्चा गर्म थी और ये चीजें कुछ सामने आई थी, लेकिन आज स्वाति जी ने अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट है, उनका स्टैंड क्लियर है। अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कद का हो, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो हम आज, क्योंकि FIR दर्ज हुई है, मुझे उम्मीद है दिल्ली पुलिस और जो एजेंसीज हैं उसके ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके पश्चात जो भी व्यक्ति अगर उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, आप पंजाब के इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी के, आज पंजाब पहुंचे हुए हैं। CM केजरीवाल कल लखनऊ गए थे, दोनों दिन विभव उनके साथ नजर आए। आपको नहीं लगता जिसमें इतने आरोप हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए? मैंने कहा अभी एक्यूजेशंस हैं, अभी FIR दर्ज हुई है, किसी के खिलाफ कोई एक्यूजेशंस आए हैं, उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, लेट द इन्वेस्टिगेशन बी फाइनलाइज अकॉर्डिंगली। जो भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा उस व्यक्ति के खिलाफ, हम शुरू से कांग्रेस पार्टी बिल्कुल क्लियर है। ये तो स्वाति मालीवाल जी हैं जो MP हैं, DCW की चेयरपर्सन रही हैं, लेकिन अगर एक आम महिला के साथ भी किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार होता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी नजर आएगी। सर, दिल्ली में इफेक्ट पड़ेगा इसका, बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है, तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, महिलाएं हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो आगे आ गई हैं। उनका कहना है कि चुनाव से पहले ऐसी घटना होना CM के घर पर निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग में आ रहा है, कैसे सुरक्षा आप लोग देंगे अगर जीत कर भी आते? मैं इंतजार करूंगा कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, उसके पश्चात जो भी चीजें सामने आएंगी उसके पश्चात हम अपना रिएक्शन देंगे। सर, अंतिम सवाल, कल रैली है राहुल गांधी की दिल्ली में बड़ी, क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को आपने इनवाइट किया है या कोई और दलों के नेता? नहीं, वो कल उसमें ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। सहयोगी रमेश के साथ शुभम प्रताप सिंह, नेटवर्क 18, दिल्ली।